श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की श्री हरि नाम की जगद्गुरु शील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परहंस परिवचक आचार्य अश्युत श्रीमदेसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर चार्य ब्यूटी फाउंडर चार्य जगद्गुरु शील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परहंस परिवचकाचार्य अश्युत श्रीमद्भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी शील प्रभुपाद की अनंतपुरी वैष्णव वृंद की नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहु श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौ भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कृष्ण राधा कृष्ण गिरि गोवर्धन की श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की श्री वृंदावन धाम की नवदीप मायापुर धाम की पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथपुरी धाम की श्री अयोध्या धाम की गंगा माई की जमुना माई की भक्ति देवी की तुलसी महारानी की कलिग पावन हरिनाम संकीर्तन की। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories, all glories, all glories to Shri Guru and Gauranga. Hare Krishna. हरे कृष्णा। आप सभी को कैसा लगा आरती में भाग लेके? हरी बोल। हमारा जो पद्धति है, हमारा जो तरीका है, इसमें क्या होता है कि हम अच्छा होता है ना तो हरी बोल बोल के उत्तर देते हैं। ठीक है, तो आप लोग को अच्छा लगा? बहुत सही, क्या बात है। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले मदन सुंदर प्रभु के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। तो आज का जो कथा है वो देने वाले हैं हमारे मदन सुंदर प्रभु जी। आप सभी जानते हैं मदन सुंदर प्रभु को। मदन सुंदर प्रभु हमारे इस्कॉन हिंजोवाड़ी के डायरेक्टर हैं, हमारे सभी के पथ प्रदर्शक गुरु हैं, हमें दिशा दे रहे हैं, हमें प्रेरित कर रहे हैं एक सुंदर जीवन को जीने के लिए। और ये सुंदर जीवन कैसा है? भगवान के साथ भक्तिमय जीवन है। प्रभु जी के बारे में आप सभी को पता है, प्रभु जी विदेश में पढ़ाई करके आए हैं और प्रेरित भगवान के इच्छा के अनुरूप उन्होंने ब्रह्मचारी आश्रम में भाग लिया और वे इतनी सुंदर तरीके से हम सभी को भक्ति जीवन में भाग लेने का मौका दे रहे हैं। तो हम देर करे बगैर मदन सुंदर प्रभु का स्वागत करते हुए जोर से हरि बोल बोलेंगे। और आज हम किस चीज़ पर चर्चा करने वाले हैं? The legend of Lord Ram. तो रामचंद्र भगवान की जय, सीता राम लक्ष्मण हनुमान की जय। अच्छा, ये जो कथा होने वाली है, ये कथा होने वाली है हिंदी भाषा में, लेकिन बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो कि थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी भी जानना चाहते हैं, इसलिए सभी को अकोमोडेट करने के लिए हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो अंग्रेजी भाषा में है और जो कथा है वो हिंदी भाषा में है। और थोड़ा बहुत आपको इधर उधर अंग्रेजी के कुछ इधर शब्द मिल जाएंगे तो हमें क्षमा करिएगा उसके लिए, लेकिन दिल से हम सभी भगवान श्री रामचंद्र की महिमा का गुण कीर्तन करेंगे। ठीक है, मैं अनुरोध करता हूँ मदन सुंदर प्रभु से कि वे कथा को आरंभ करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है इस साल के सबसे पहले कार्यक्रम में। ये विशेष साल है, अनेक अनेक सालों के लंबे इंतज़ार के बाद भगवान राम का दोबारा से स्थापन होने वाला है अयोध्या में। उस अवसर पर हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है लीजेंड ऑफ लॉर्ड राम। चर्चा करते समय इसके बारे में बताएंगे क्यों हम कर रहे हैं, क्या विशेषता इत्यादि। तो आइए पहले एक बार हाथ जोड़कर सभी प्रणाम करते हैं अपने गुरुवर आचार्य और भगवान को, उनसे प्रार्थना करते हुए। उनसे प्रार्थना करने के पश्चात हम लोग शुरुआत करेंगे। लिल वॉल्यूम प्लीज, गिव मी मोर वॉल्यूम। जो ये प्रार्थना जानते हैं मेरे पीछे दोहरा सकते हैं, जो नहीं जानते हैं वो इतने में तीन लंबी सांसें लेकर जस्ट रिलैक्स योर माइंड। और जैसे शुरुआत में कहा गया था, आगे बैठने की जगह अभी भी है। सो जो हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, होस्ट हैं, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जस्ट गाइड पीपल टू सिट डाउन, क्योंकि थोड़ी देर में अभी और भीड़ आने वाली है तो फिर ऐसा लगेगा शायद जगह नहीं है। The lot of space at the side of the mothers, वहाँ पे और भक्त बैठ सकते हैं। ओम
अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूताले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चतादिशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए शुरुआत करते हैं भगवान राम को प्रणाम करते हुए। दिस इज कॉल्ड राम स्तोत्र। कृपा करके पीछे मेरे पीछे दोहराइएगा। या रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। ये भगवान के अलग अलग नाम हैं, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अनुसार। विल रिसाइट इट थ्राइस। एक बार करा है, दोबारा करेंगे। रामाय राम भद्राय। जोश नहीं लग रहा, हैज टू बी मोर एंथुसियाज्म, पुट मोर पावर। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। दिस साइड सीम टू बी लाउडर। माताजी की तो आवाज ही नहीं निकल रही है। ट्राई वंस मोर लाउडली। ओके, रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। हरे कृष्ण। मुझे ध्यान है ये करीबन 1990 की बात है। मैं भी इन बच्चों के जितना ही छोटा था उस समय। और अगर आप सबको याद होगा तो रामानंद सागर का रामायण सीरियल आया करता था। सो उस समय हमारे घर पे ब्लैक एंड वाइट छोटा टीवी हुआ करता था। एंड आई न्यू आई वॉज फॉर लास्ट वन ईयर आई वॉज कंप्लेनिंग टू माई फादर, नहीं हमें कलर टीवी में रामायण देखनी है। अगर आपको याद हो 1990 तक देर वॉज नो स्टार टीवी, स्टार प्लस एटसेट्रा, केवल दूरदर्शन। और दूरदर्शन पे भी रामानंद सागर का रामायण, उसके बाद महाभारत। आई रिमेंबर जब मेरा जन्मदिन था उस साल का, तो जब मेरे पिताजी ने पूछा क्या गिफ्ट, आई सेड आई वॉन्ट कलर टी वी। वाई कलर टी वी? बिकॉज रामायण देखनी है, रामायण देखनी है। सो आई रिमेंबर हम वहाँ शॉप पे गए थे, तो ओनिडा नाम का एक ब्रांड हुआ करता था जो कि इकलौता टी वी का ब्रांड था। लेट्स गो बैक टू सम हिस्ट्री। सो आई रिमेंबर वेन वी एंटर, उस समय बड़े बड़े स्टोर्स नहीं हुआ करते थे, शॉप्स हुआ करती थी। जैसे किराने की दुकान होती है ना, उसी प्रकार की उस समय टीवी शॉप्स होती है। आई रिमेंबर आई एंटर्ड देयर। अगर आप आज की तारीख में किसी भी टीवी शोरूम में जाते हैं जहाँ टीवीज डिस्प्ले रहते हैं, वहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार की हॉलीवुड बॉलीवुड मूवीज़ दिखाई देंगे, इजंट इट? वहाँ जितने भी ओनिडा के टीवी थे, ब्लैक एंड वाइट टू कलर टीवी, हर पे सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी, रामायण। दैट वॉज द फर्वर, दैट वॉज द एंथुसियाज्म ऑफ रामायण। उस प्रकार से रामायण देखते हुए आप सभी ने भी, जिस प्रकार से मैंने भी, हमारा उस प्रकार से वी ग्रू अप वाइल वॉचिंग रामायण लाइक दिस।
परंतु जिस प्रकार से मुझे शिक्षाएं प्राप्त हुई या स्कूल एजुकेशन कॉलेज एजुकेशन प्राप्त हुआ और साथ ही साथ जब समाज को समझने की क्षमता आई तो मेरे मन में भी ये प्रश्न उठने लगा, क्योंकि कई बार बताया जाता था अयोध्या में राम मंदिर की क्या आवश्यकता है, जब इतना उसको लेके संकट बना हुआ है तो एक हॉस्पिटल बांध दो या एक कॉलेज बांध दीजिए। हम 1991-92 में जब जब अयोध्या में जो स्थिति घटी थी, हम उससे सिर्फ मुश्किल से एक घंटे की दूरी पर या पौन घंटे की दूरी पर रहते थे। तो आई रिमेम्बर विविडली किस प्रकार से रात को पूरे वहाँ पर एक नाकाबंदी थी और जो कर सेवक थे किस प्रकार से अपने जान बचाकर भागा करते थे। आई मीन यू, आई रिमेम्बर ऑल ऑफ दोस थिंग वेरी क्लियरली। उन सब चीज़ों को देखा जब बड़े हुए, तो बड़े होने के बाद जिस प्रकार से विद्या हो गया स्कूल और कॉलेज में सिखाया जाता है, स्कूल और कॉलेज में जो एजुकेशन है वह आपको भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं, ज़्यादातर एक प्रकार से भगवान के प्रति आपको नास्तिक ही बनाती है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन दैट वी हैव टुडे या उसका जो गोल है सिर्फ एक ही है, मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। मटेरियल प्रॉस्पेरिटी कैसी होगी? जब आपके पास समाज में इफ यू हैव अ गुड हेल्थ यू हैव वेल्थ, तो हॉस्पिटल होना चाहिए, यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, इत्यादि इत्यादि। लाइक दिस, आई डोंट नो हाउ मेनी इफ यू रिमेंबर, लाइक दिस देयर वाज अ कन्वर्सेशन फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम कि दोनों पक्ष को शांत करने के लिए हमें हॉस्पिटल या कॉलेज बांध देना चाहिए। एंड आई रिमेंबर आई ग्रू अप वॉचिंग रामायण, आई ग्रू अप हियरिंग रामायण फ्रॉम माई मदर एंड ग्रैंड मदर। और जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने भी यही पक्ष लिया, मंदिर की क्या आवश्यकता, जब इतना संकट बना हुआ है मंदिर को लेकर, मंदिर की क्या आवश्यकता। शिला प्रभुपाद जी इस संदर्भ में एक बहुत खूबसूरत बात कहते हैं। प्रभुपाद जी श्रीमद् भगवद्गीता के तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक के तात्पर्य में कहते हैं, रिलीजन विदाउट फिलॉसफी इज सेंटिमेंट और समटाइम्स फैनेटिज्म, वाइल फिलॉसफी विदाउट रिलीजन इज मेंटल स्पेकुलेशन। कहने का तात्पर्य है जो व्यक्ति धर्म में तो विश्वास रखते हैं परंतु उन्होंने कभी कोई ज्ञान प्राप्त नहीं किया, केवल सेंटिमेंट्स के बेसिस पे, क्योंकि मेरे भगवान मेरी माता मेरे पिताजी मंदिर जाते हैं तो मैं मंदिर जाता हूँ, परंतु भगवान के चरित्र भगवान के तत्व के बारे में कभी भी कुछ नहीं पढ़ा, तो उनकी श्रद्धा केवल एक मियर सेंटिमेंट बन के रह जाती है। आई रिमेंबर इन माई कॉलेज डे टॉकिंग टू माई प्रोफेसर, मैंने कहा क्या आवश्यकता है मंदिर की, तो बहुत क्रोधित हो गए, बोले तुम कैसे हिंदू हो, मंदिर तो वहीं बनेगा। ऑफ कोर्स आई से सो टुडे, बट उस समय मेरी अंडरस्टैंडिंग अलग थी। तो मैंने कहा क्यों मंदिर बनना चाहिए जब इस प्रकार से लोग मारे जाते हैं, इस प्रकार से यू नो दिस लॉस टू लाइफ, व्हाई इट इज। बोला नहीं, ये हमारे फाइन, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। पर शिला प्रभुपाद जी तब बताने का प्रयत्न कर रहे हैं, धर्म तभी धर्म कहलाता है जब आप धर्म के बारे में जानते हैं, धर्म के बारे में आपको ज्ञान प्राप्त हुआ है। सो एनी रिलीजन और एनी रिलीजियस प्रैक्टिस विदाउट एनी नॉलेज ऑफ दैट रिलीजन इज मियर सेंटिमेंट। और उसको अगर मैं सही भाषा में हिंदी में ट्रांसलेट करूँ तो मैं उसको कहूँगा अंधविश्वास। आप सब लोग खुद अपने स्वयं के जीवन में ना जाने कितनी सारी क्रियाएं करते आए हैं जिसका हमें कुछ नहीं पता, क्यों करते हैं, क्या विशेषता है। भगवान को दिया जगाया दिखाया जाता है दसवें अध्याय के सातवें श्लोक में। वो कहते हैं, लोग कहते हैं भगवान महान है, जनरली पीपल नो दैट गॉड इज ग्रेट। हाँ भगवान बहुत महान है, प्रॉपर राइट्स, बट शायद ही कुछ ही लोग हैं जो जानते हो कि भगवान कितने महान हैं। हार्डली देर आर पीपल हु नो हाउ ग्रेट गॉड इज। जब तक जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है भगवान है, और जब जीवन में विपदा आनी शुरू हो जाती है तो व्यक्ति के मन में प्रश्न उठता है, आज जीवन तुम्हारे लिए दिया दिखाया, ये दिया दिखाने का फल ये है, आज मेरे जीवन में संकट आ रहा है, और अलग अलग प्रकार के संदेह आ जाते हैं। इसलिए जो आज हमारा समाज है देखा जाए, कहने को भारी रूप से तो हम कुछ निष्ठा रखते हैं, पर वो निष्ठा एक बदलते वातावरण के समान है। गर्मी के बाद सर्दी, सर्दी के बाद गर्मी, जब सब कुछ ठीक है तो तब भगवान की शरण नहीं ली जाती, और शरण ली भी तो मन में संदेह यही बना रहता है
भगवान तू कैसा भगवान, मेरे जीवन में ये सब क्यों किया। सो गोइंग बैक टू द पॉइंट अगेन, रिलीजन विदाउट फिलॉसफी इज सेंटिमेंट। इन फैक्ट प्रभुपाद सेज फिलॉसफी विदाउट रिलीजन इज मेंटल स्पेकुलेशन। हाँ, आज हम धर्म का पालन करते हैं जहाँ हम कोई शास्त्र का अध्ययन नहीं करते, आपको पढ़ाने के लिए प्रयत्न भी किया जाए तो लोग कहते हैं पढ़ने का समय नहीं है इत्यादि इत्यादि, वो तो एक बात हुई। दूसरी, ऐसे कई सारे ग्रंथ हैं, ऐसी बहुत सारी फिलॉसफीज हैं, कई सारी बुकें लिखी गई हैं, ग्रंथ लिखे गए हैं, परंतु वहाँ पे भगवान का कुछ उल्लेख नहीं है। भगवान को निरंकार घोषित कर दिया गया है या मनुष्य को ही भगवान घोषित कर दिया गया है। तो जहाँ वो फिलॉसफी जिसके माध्यम से या रिलीजन की समझ ना आए, उस फिलॉसफी को काल्पनिक कहा गया। प्रश्न बनता है रिलीजन का मतलब क्या हो। रिलीजन इज अ लूज इंग्लिश वर्ड ट्रांसलेटेड फ्रॉम अ संस्कृत कॉल्ड एज धर्म। ये उसकी एक लूज इंग्लिश मीनिंग है, इज नॉट एग्जैक्ट डेफिनेशन। तो कहा गया है जिस फिलॉसफी का अध्ययन करके हमें धर्म का समझ ना आए, वो फिलॉसफी काल्पनिक है। तो प्रश्न बनता है, कोई भी हम शास्त्र पढ़ते हैं तो हमें धर्म समझ आना चाहिए। धर्म समझ आने का मतलब क्या है। जैसे शिला प्रभुपाद अपने समय में कहते हैं, मेरे द्वारा लिखी गई भगवद्गीता की इंग्लिश कमेंट्री से पहले ना जाने कितनी ही भगवद्गीता पे कमेंट्री थी, कोई भी शायद ही कृष्ण का भक्त बना। फिलॉसफी पढ़ी भगवद्गीता की पर कृष्ण की शरण नहीं ली। परंतु प्रभुपाद कहते हैं, देखिए, क्योंकि परंपरागत से तरीके में हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, वही ज्ञान हमने लोगों को समझाया है, तो विश्व भर में आज लोग कृष्ण के भक्त बन गए। दैट इज द राइट फिलॉसफी। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलीजन, क्या मतलब होता है, श्रीमद् भागवतम में उसकी परिभाषा की गई है। प्लीज रिपीट आफ्टर मी, सवाई पुंसाम परो धर्म यतो भक्त रधोक्षजे अहितुकी अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसीदति। ये श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद दूसरा अध्याय का छठा श्लोक है। कहा गया है पुंसा मीन्स मनुष्य, सभी मनुष्यों के लिए पराधर्म वही है जिसके माध्यम से भगवान अधोक्ष सजे मतलब भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न हो। धर्म का अर्थ क्या है, जिसके पालन से भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न हो, ना कि दूसरे मनुष्य के प्रति द्वेष, ना कि ये एक काफिर है एक सैटन है इत्यादि इत्यादि। वह धर्म नहीं होता, वो अधर्म होता है। उस अधर्म को हम धर्म मान के बैठ गए तो वही हमारी मूर्खता है। धर्म क्या है, जिसके माध्यम से यतो भक्ति रधोक सजे अहितुकी अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धति। उस धर्म का पालन करने के पश्चात भगवान से जब उसका संबंध तैयार होता है, उसका हृदय पूर्णतः संतुष्ट हो जाता है। अगर धार्मिक लोग भी असंतुष्ट रहने लगे तो धार्मिक लोग और जो एक नास्तिक है उसमें अंतर क्या रह गया। जिस प्रकार से नास्तिकवाद इस भौतिकवाद के पीछे दौड़ रहा है, अगर धार्मिक लोग भी उस प्रकार से उन चीज़ों के पीछे दौड़ेंगे तो उनमें अंतर क्या रहा। यह आत्मा सुप्रसिद्धति धर्म की परिभाषा है, जिसके माध्यम से भगवान के प्रति आपका संबंध जुड़े या संबंध बने इस प्रकार से। सो जब शिला प्रभुपाद जी के हमने शास्त्र पढ़े तो फिर हमें समझ आया रामायण क्या है, भगवान राम कौन है, धर्म क्या होता है और शास्त्र अध्ययन करने का महत्व क्या होता है। परंतु अभी भी ट्विस्ट था स्टोरी में। ट्विस्ट ये था, जिस विद्या शैली से हम आए और जिस विद्या शैली से आप सभी आए हैं, वहाँ पे हमें बताया गया है रामायण फिक्शन है, महाभारत फिक्शन है, हमारा इतिहास माइथोलॉजी है, मिथ। बड़े बड़े लोग जो पीएचडी करते हैं, पीएचडी करने के बाद भी लिखते हैं मैंने माइथोलॉजी रामायण में पढ़ा है, तो बड़ा ही अजीब लगता है। तो आज का जो ये पहला सत्र है, ओके, लेट मी गिव अ लिटिल बैकग्राउंड व्हाट वी गोना डू हियर। ये जो हमने जो सत्र डिज़ाइन करें, जो कोर्सेज, हरे कृष्णा बच्चे लोग और अस बिहाइंड, ओके, फ्रंट सीट में बैठना है तो साइलेंस। व्हाट वाज आई सेइंग, सो व्हाट इज दिस, हाउ दिस, व्हाट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सीरीज और हाउ दिस सीरीज आर डिज़ाइंड। ये मैंने कोविड के टाइम में जब अध्ययन करा था तो उस समय की बात है, उसका बैकग्राउंड मैं आगे भी दूंगा क्या है। तो दो चीज़ें रहेंगी इस सीरीज़ के माध्यम से। एक, भगवान राम के चरित्र को लेकर कई कई सारी काल्पनिक या ये कहिए कॉन्ट्रोवर्सीज़ हैं,
कई कई ऐसे वचन हैं जो फेमिनिस्ट होते हैं, उनके अनुसार भगवान राम ने बहुत ही गलत करा माता सीता को वनवास भेजकर। जो थोड़े पॉलिटिकल माइंडसेट के होते हैं या डिप्लोमेटिक होते हैं, वो कहते हैं देखिए भगवान राम ने शूद्र का वध किया, इत्यादि इत्यादि प्रकार के रामायण से कुछ कुछ इंसिडेंट्स को लेकर बहुत सारी गलतफहमी समाज में फैलाई हुई है और इसी का ज़्यादातर सोशल मीडिया में प्रमोशन होता है। तो एक साधारण व्यक्ति भी जब उसको देखता है तो उसको लगता है हाँ ये भगवान राम कैसे कर सकते हैं। और जो लोग जिन्होंने अपने जीवन का एक प्रकार से उद्देश्य बना रखा है भगवान राम के अस्तित्व को हटाने के लिए, वो कहते हैं तुम्हारा राम कैसे, क्या भगवान झूठ बोलते हैं, क्या भगवान गलत काम करते हैं, देखिए धोखे से वाली को मारा, इत्यादि इत्यादि जो कॉन्ट्रोवर्सीज हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ अब से कई साल पहले मैं चित्रकूट गया था, आप में से कितने लोग चित्रकूट गए हैं? अरे कोई भी चित्रकूट नहीं गया, जीवन शुरू ही नहीं हुआ। मैं ये नहीं कहूँगा जीवन अधूरा रह गया है, अयोध्या जाने से पहले चित्रकूट जाइएगा फिर अयोध्या जाइएगा। एनीवेज हम इस साल नहीं अगले साल लेकर जाएंगे यात्रा पे, चित्रकूट काशी एंड अयोध्या, तो हो सके तो तब चलिएगा। इस साल तो हम लोग वृंदावन जा रहे हैं अब। सो एनीवेज मैं कई साल पहले चित्रकूट गया था, वहाँ पर एक म्यूज़ियम है, उस म्यूज़ियम के अंदर आपको विश्व भर से अलग अलग रामायण के एविडेंसेस दिए गए हैं, थाईलैंड में, इंडोनेशिया में, बर्मा में, किस प्रकार से वहाँ के कल्चर में भगवान राम की टीचिंग्स या रामायण का कल्चर एक प्रकार से पूरा ही समाहित था। जब मैंने वो देखा ना तो वहाँ फ़ोटो खींचना अलाउड नहीं था, स्ट्रिक्टली लिखा फोटोज आर नॉट अलाउड। जब मैंने देखा तो मुझे उससे बहुत प्रेरणा मिली थी, क्योंकि उससे पहले तक मुझे लगता था रामायण राम मीन्स राम जी उत्तर प्रदेश के, ज़्यादा ज़्यादा भारत के, भारत से आगे तो कुछ होगा ही नहीं। तो इस सत्र के माध्यम से हम भगवान राम के कल्चर का किस प्रकार पूरे संसार में इन्फ्लुएंस रहा है थ्रू एविडेंसेस प्रकट करने का प्रयत्न करेंगे। दैट्स अ वेरी एक्साइटिंग पार्ट ऑफ द कॉन्वर्जेशन, इसलिए मैंने ये सत्र कहा कि बच्चे भी अटेंड कर सकते हैं, विल हैव सम नाइस इन्फॉर्मेशन फॉर दैट। सो आइए इस सत्र की शुरुआत करते हैं। आज का जो सत्र रहेगा ज़्यादातर इंट्रोडक्शन रहेगा, जहाँ पे कुछ हम चीज़ों को स्थापित करेंगे, फाउंडेशन को, वाल्मीकि रामायण के बारे में संक्षिप्त चर्चा करेंगे एंड कुछ और विषय हैं आगे देखते हैं फिर बात करते हैं। सो पहले शुरुआत करते हैं चाणक्य पंडित जी से। चाणक्य पंडित के बारे में तो सभी ने सुना होगा, अ ग्रेट मॉरलिस्ट, इन्होंने भारत की रचना करने में बहुत बड़ा सहयोग दिया था। उनके द्वारा लिखी गई या उनके शब्दों से कंपाइल करी गई एक किताब है जिसका नाम है चाणक्य नीति, और चाणक्य नीति के 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में बहुत अद्भुत बात कहते हैं। देखिए इनकी ही इंस्ट्रक्शंस का पालन करके इस भारत राष्ट्र की स्थापना हुई थी। यस और नो? तो मतलब अगर हम चाहते हैं उस प्रकार से हमारा सनातन धर्म भारत संस्कृति की स्थापना हो तो चाणक्य नीति के, चाणक्य जी के वचनों का पालन करना चाहिए, हाँ या ना? सो देखिए चाणक्य जी क्या कहते हैं, क्या समझाते हैं। चाणक्य ऑलरेडी है यहाँ। तो चाणक्य जी कहते हैं प्रातर्धूत प्रसंगेना मध्याह स्त्री प्रसंगतः रात्र चौर प्रसंगेना कालो गच्छन्ति धीमताम। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं उनको प्रतिदिन 3 प्रसंग का अध्ययन करना चाहिए। प्रात सुबह उठते ही सबसे पहले प्रसंग का, किस प्रसंग का? प्रात धूर्त प्रसंगेना, जुए के प्रसंग का चर्चा करना चाहिए। कैन यू इमेजिन, शुरुआत में ही गैम्बलिंग, ये चाणक्य जी कह रहे हैं। मध्याहे स्त्री प्रसंगात, और दोपहर में 12 बजे के बाद स्त्री प्रसंग पर चर्चा करनी चाहिए, और फिर रात्रो चौर प्रसंगेना, और रात्रि में सोने से पहले चोर के प्रसंग के ऊपर चर्चा करनी चाहिए। अब मेरा आपसे प्रश्न बनता है कौन से प्रसंग की चर्चा हो रही है, क्या है ये? ओके, वुड वी हैव स्पेस फॉर ऑल ऑफ देम हियर? ठीक है, नज़दीक ही बैठोगे गर्मी लगेगी, ठंडी जमीन बैठोगे तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ऑलराइट, ओके। सो ये कौन से प्रसंग की चर्चा की जा रही है जो चाणक्य जी कह रहे हैं जो प्रतिदिन एक बुद्धिमान व्यक्ति को पढ़ना चाहिए? सुबह सुबह जुए के प्रसंग के बारे में पढ़ना चाहिए। कौन सा प्रसंग है ये जुए का प्रसंग? वेयर डज इट कम? अरे यार जो जानते हो मत बोलो, ये नए के लिए, तुम सुना सुना क्यों दोबारा रिपीट कर रहे हो? लेट देम गेस। सो महाभारत,
सुबह उठते ही महाभारत का अध्ययन करना चाहिए और दोपहर में स्त्री प्रसंग का अध्ययन करना चाहिए। कौन सा स्त्री प्रसंग? अब महाभारत हो गया तो आसानी होगा ना। स्त्री प्रसंग कहाँ आता है? रामायण। और फिर रात को सोने से पहले चोर के प्रसंग का अध्ययन करना चाहिए। कौन रहा है सबसे बड़ा चोर? भगवान श्री कृष्ण, जिसके ऊपर चौराष्टकम नाम का एक भजन भी लिखा गया कि सर्वश्रेष्ठ चोर कौन है? कृष्ण। उस प्रकार से चर्चा की गई है तो कहा गया है प्रतिदिन तीन ग्रंथों को या प्रसंगों का अध्ययन करना चाहिए, महाभारत, रामायण और श्रीमद् भागवतम। तो प्रश्न बनता है ये इस प्रकार से क्यों चर्चा की गई है, महाभारत, रामायण और श्रीमद् भागवतम। देखिए, हर इतिहास, हर ग्रंथ का एक उद्देश्य होता है और अगर हम उस उद्देश्य को ना समझकर उसका अध्ययन करें तो फिर हम उसको पढ़ते पढ़ते या सुनते सुनते हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसका उद्देश्य क्या, उल्लेख क्या है। तो किसी भी चीज़ या किसी भी किताब या ग्रंथ को पढ़ने से पहले हमें इतना पता होना चाहिए व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव। इसलिए शास्त्रों को पढ़ा नहीं जाता, शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया जाता, शास्त्रों का श्रवण किया जाता है। उपनिषद, ईश उपनिषद, गुरु के चरण कमल या गुरु के नज़दीक समीप में बैठकर उनसे शास्त्र का श्रवण करना। श्रवण करने के पश्चात अध्ययन आता है, परंतु आप श्रवण करने से पहले अध्ययन करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा वो शास्त्र क्या सिखाना चाहता है। देखिए, चाणक्य जी का जो उद्देश्य था वह ये था कि कैसे भारत की संस्कृति को दोबारा स्थापित किया जा सके, भारत को एकजुट किया जा सके। अगर वह चाणक्य जी कह रहे हैं कि इन तीनों प्रसंगों को प्रतिदिन पढ़ना चाहिए तो इसका मतलब ये आज भी उतना ही वैलिड है जितना उस समय था। ये हम सभी के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? इन तीनों प्रसंगों में तीन प्रमुख चीज़ें आती हैं। बात करते हैं रामायण, हमारी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए और जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, वे तीन ग्रंथ सिखाते हैं। आप पे समय नहीं है कुछ और पढ़ने का, कम से कम ये पढ़िए। रामायण हमारे जीवन की फाउंडेशन स्थापित करता है। रामायण की मूल शिक्षा है त्याग एंड ड्यूटी, निष्ठावान। दशरथ महाराज कह रहे, राम तुम्हें वनवास जाने की जरूरत नहीं है, मेरा आदेश है तुम्हें। तो राम कहते, नहीं पिताश्री, आपका आदेश आया है, उसका पालन करना पड़ेगा। तो दशरथ महाराज कहते हैं, राम मैं तुम्हारा आज से पिता ही नहीं हूँ। तो राम कहते हैं, आप चाहे मेरे पिता ही क्यों ना हो, परंतु एक इक्ष्वाकु वंश में आए हुए आप राजा हैं और उस राजा होने के कारण, मैं इस देश का निवासी होने के कारण मुझे राजा का आदेश मानना ही पड़ेगा। दशरथ महाराज मना कर रहे हैं, राम मत जाओ। राम कह रहे, नहीं, आपके वचन पिता या तो राजा के कहने के अनुसार मैं करके ही रहूँगा। आज धक्के मारे कोई बाहर नहीं निकलता और यहाँ पिता पैर पकड़ के रुके हुए हैं, मत जाओ, मैं तुम्हारा पिता कहलाने लायक नहीं हूँ, मैं तो राजा वैसे ही नहीं रहा जब मैंने कल रात तुम्हारा राज्य अभिषेक घोषित कर दिया था। हे राम, मैं तो राजा वैसे भी नहीं रहा, ये जो कल सुबह फॉर्मेलिटी, जो एक विधान होना है, विधि होनी, वो तो फॉर्मेलिटी है। सभी मंत्रियों ने तुम्हें, ये रात की बात है तो आज रात ही सभी मंत्रियों ने आज शाम को ही सभा में तुम्हें राजा के रूप में स्वीकार लिया है, ना ही तो मैं राजा कहलाने लायक हूँ और ना ही पिता कहलाने के लायक हूँ, आप मत जाओ। राम कहते हैं, नहीं, जो मेरे पिता और राजा की आज्ञा है उसका मैं पालन करूँगा। ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबल एक्शन। और रामायण सिखाता है सेक्रीफाइस और उसके अनेक अनेक उदाहरण हैं। एक संक्षिप्त उदाहरण देकर ताकि आपको समझ आए रामायण का चरित्र क्या है, व्हाट्स अ स्टोरी लाइन, व्हाट्स अ कॉन्सेप्ट। मैं उस व्यक्ति का उदाहरण लूँगा जिसके बारे में आप में से शायद ही कोई जानता होगा, बहुत ही कम सुना होगा और ये शायद कहानी भी आप नहीं जानते होंगे। वह चरित्र है लक्ष्मण की पत्नी का नाम क्या था? उर्मिला। उर्मिला के बारे में आपको बहुत ही कम पढ़ने को मिलेगा रामायण में या इत्यादि शास्त्र में, और उर्मिला जी के संदर्भ में कहानी आती है। हम सब शायद जानते होंगे जब 14 साल का वनवास हुआ था भगवान राम का, सीता भी राम जी के संग गई और लक्ष्मण भी सीता राम के संग गए, और लक्ष्मण पूरे 14 साल तक के लिए नहीं सोए थे। उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी, मैं पूर्णतः राम और सीता की सेवा करूँगा। कहानी इस प्रकार से आती है, 7 साल वनवास में बिताने के बाद एक रात्रि में
तो जब सीताराम जहाँ सोया करते थे उसके चारों तरफ लक्ष्मण जी पहरा लगाया करते थे, घूमा करते थे। उसी प्रकार एक रात को 7 साल के बाद लक्ष्मण जी पहरा लगा कर घूम रहे थे, मध्य रात्रि में एक बहुत खूबसूरत दिव्य नारी वहाँ प्रकट हो जाती हैं और कहती हैं, हे लक्ष्मण, मैं आपकी तपस्या और सेवा भावना से बहुत प्रसन्न हुई हूँ। मैं देवलोक से आई देवी हूँ और आपके इस तपस्या से प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देना चाहती हूँ। मांगिए, आप मुझसे क्या मांगते हैं? तो लक्ष्मण जी तुरंत कहते हैं, हे माते, मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, मैं राम सीताराम की सेवा में पूर्णता ही संतुष्ट हूँ। आप कृपा करके ये जो आप मेरे पे आभार प्रकट कर रही हैं किसी और को दीजिए, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। तो देवी ने कहा, हे लक्ष्मण, मेरा नाम निद्रा देवी है और तुम पिछले 7 सालों से नहीं सोए हो। और निद्रा देवी लक्ष्मण से आग्रह करने लगती हैं, कम से कम कुछ समय का तुम मुझसे वरदान ले लो, कुछ समय के लिए तो आप आराम कर लीजिए। इस प्रकार से जब निद्रा देवी और लक्ष्मण के बीच में चर्चा चल रही थी, उस समय सीताराम उठ जाते हैं और वो कुटिया से बाहर देखते हैं इनके बीच में क्या वार्तालाप चल रही है। तो उस समय लक्ष्मण निद्रा देवी से कहते हैं, हे मैया, जैसे मैंने आपको स्पष्ट कहा, मुझे किसी भी वरदान की आवश्यकता नहीं है, परंतु मैं जानता हूँ किस पे आप आभार प्रकट कर सकती हैं, किसको वरदान दे सकती हैं। जिस प्रकार से मैं वन में पिछले 7 साल से नहीं सोया हूँ, उसी प्रकार से मेरी पत्नी भी अयोध्या में रहते हुए उसी समान तपस्या कर रही है। जिस प्रकार मैं वन में रहकर मैं फल फूल खाकर जड़ी बूटियां खाकर जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, अयोध्या में रहते हुए भी उर्मिला उसी प्रकार से जीवन व्यतीत कर रही है। जिस प्रकार से राम की सेवा में मैं 7 साल नहीं सोया हूँ, उर्मिला भी पिछले 7 साल से नहीं सोई है। मैं चाहता हूँ आप वरदान उर्मिला को दीजिए। और ये बात सीताराम सुन लेते हैं और दोनों ही सीता और राम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोनों ही सोचते हैं, कहने को तो ये श्राप या वनवास की सजा राम को मिली थी, राम के साथ साथ सीता आ गई, सीता के संग राम है, राम के साथ सीता है, लक्ष्मण ने क्या किया था और लक्ष्मण से बढ़कर उर्मिला का क्या दोष था? कम से कम सीता के पास राम है, राम के पास सीता है, उर्मिला के पास तो ना सीता राम है ना ही लक्ष्मण है। अगर कोई इन सब में सबसे ज़्यादा दुखी होना चाहिए तो वो तो उर्मिला को होना चाहिए, ना ही उसके पास उसका पति है ना ही सीता राम है। इस चीज़ को ध्यान करते हुए उसी समय सीताराम जो लक्ष्मी नारायण हैं तुरंत वहाँ से लुप्त होकर अयोध्या में उर्मिला को दर्शन देने के लिए चले जाते हैं। और इसी बीच में लक्ष्मण जी निद्रा देवी को समझा कर कहते हैं कि आप अयोध्या जाकर उर्मिला से मिलिए। यहाँ सीताराम उर्मिला को दर्शन देते हैं, उससे मिलकर वापस अयोध्या आते हैं और इसी बीच निद्रा देवी वहाँ पहुँचती हैं। और जैसी निद्रा देवी पहुँचती हैं वो कहती हैं, हे उर्मिला, मैं देवलोक से आई दिव्य नारी हूँ, तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ। उर्मिला कहती है, मैया, कोई वरदान की आवश्यकता नहीं है। देवी ने पूछा, अरे पति पत्नी दोनों एक समान, क्यों जरूरत नहीं है? बोले, जो वरदान आप दे सकती थी उससे बड़ा वरदान, सबसे बड़ा वरदान मुझे आज मिल गया है। कैसा वरदान मिल गया है? तुम जानती हो मैं कौन हूं? हाँ, मुझे पता है आप निद्रा देवी हैं। हे मैया, आपके कारण ही 7 साल में पहली बार मेरे पति ने मुझे स्मरण किया। हे मैया, तुम्हारे कारण ही सीता राम ने मुझे आज अपने दर्शन दिए, इससे बड़ा वरदान मैं क्या ले सकती हूँ? और निद्रा देवी ने कहा, अरे कुछ तो मांगो। दिस इज हाइट ऑफ कल्चर ऑफ सेक्रीफाइस एट रामायण इंडिकेट्स एंड दैट शुड बी द फाउंडेशन लाइफ। ये मैं कहने का तात्पर्य नहीं है कि इसको अपने जीवन में उतारना, क्योंकि हर एक के लिए आसान नहीं है, परंतु ये रामायण की शिक्षा है कि कैसे दूसरे की प्रसन्नता के लिए अपने सुख को त्यागना और उसी में जीवन का सबसे बड़ा सुख छुपा हुआ है। निद्रा देवी कहती हैं, कुछ तो वरदान मांगो। उर्मिला कहती हैं, हाँ, एक वरदान चाहती हूँ, कृपा करके अगले 7 साल तक लक्ष्मण को मेरी याद नहीं आनी चाहिए, ताकि प्रभु राम की सेवा में थोड़ा सा भी विघ्न ना आए। हरे कृष्ण, बोलिए उर्मिला देवी की। इस प्रकार से अनेक अनेक उदाहरण रामायण में आते हैं जहाँ व्यक्ति दूसरे की सेवा के लिए अपना सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार है। तो जब चाणक्य पंडित कहते हैं रामायण प्रतिदिन अध्ययन करनी चाहिए, क्यों? वह हमारा जीवन का फाउंडेशन क्या होता है,
सेक्रीफाइस ड्यूटी निष्ठावान वो स्थापित करते हैं। फिर चाणक्य जी कहते हैं महाभारत भी पढ़नी चाहिए। क्यों महाभारत? महाभारत हमें समझाता है प्रैक्टिकलिटीज ऑफ लाइफ, डिप्लोमेसी, इस दुनिया में रहना है तो किस प्रकार से लोगों के संग मिलजुल कर संघर्ष के अनुसार कैसे जीवन जीना है, उस प्रकार से महाभारत हमें जीवन जीना सिखाता है। यहाँ प्रैक्टिकलिटी की जब बात करते हैं, एक प्रकार से जब उस व्यक्ति का फाउंडेशन सेक्रीफाइस का नहीं होता तो प्रैक्टिकलिटी सेल्फिश एक्शन में बदल जाती है। प्रैक्टिकल लाइफ का मतलब क्या है? कंफर्ट, कन्वीनियंस एंड मोर प्रॉफिट। और रिस्पॉन्सिबल और सेक्रीफाइस का मतलब होता है लॉस, प्रॉफिट लॉस और मे बी लॉस ऑफ कंफर्ट। एक छोटा सा उदाहरण, जैसे कि प्लास्टिक है, अगर प्लास्टिक देखा जाए वो वातावरण के लिए बहुत दूषित है, परंतु प्रैक्टिकल यूटिलिटी उसकी बहुत अधिक है। अगर आपको पानी एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना हो, प्लास्टिक में पानी कैरी करना कितना आसान है। इमेजिन अगर आप लोग को ट्रेन में जाना हो, आपको क्ले के पॉट में पानी मिलना शुरू हो जाए, इट्स डिफ़िकल्ट टू होल्ड इट, इट विल फॉल अपार्ट वेरी क्विकली। तो देखा जाए तो प्लास्टिक की यूटिलिटी और प्रैक्टिकलिटी है, पर प्लास्टिक का उतना ही प्रदूषण भी है। उसी प्रकार से इस जीवन में ये संघर्ष बना ही रहता है। गाड़ी से ट्रैवल करूँगा, एयर पॉल्यूशन बढ़ेगा, पैदल जाऊँगा तो पैर दुखेंगे। सो वॉट इज़ अ रिस्पॉन्सिबल एक्शन एंड प्रैक्टिकल एक्शन? अगर देखा जाए सिर्फ एक उदाहरण के लिए, जैसे कई बार गवर्नमेंट ये नियम बनाती है, क्या कार पुलिंग करो, ठीक है गाड़ी में जाना है साथ में कुछ और लोगों को जाओ, दैट इज़ प्रैक्टिकल एंड रिस्पॉन्सिबल। हमारे जीवन में ये प्रैक्टिकल और रिस्पॉन्सिबल के बीच में हमेशा संघर्ष बना रहता है, और इसका उत्तर वही निकाल सकता है जिसने रामायण और महाभारत जैसे शास्त्रों का अध्ययन किया। इसलिए चाणक्य पंडित कहते हैं कि रामायण और महाभारत को प्रतिदिन उसका अध्ययन करना चाहिए। प्रश्न बनता है, अब तो जीवन जीने के लिए सब कुछ है, हमें प्रैक्टिकलिटीज़ के बारे में पता है, हमें निष्ठावान होना है वो भी पता है, तो चाणक्य पंडित जी श्रीमद् भागवतम के बारे में क्यों कहते हैं? क्योंकि श्रीमद् भागवतम हमारे जीवन का उद्देश्य समझाता है। श्रीमद् भागवतम का मतलब है भगवान के प्रति प्रेम जागृत करना। सो व्हाट इज़ द गोल ऑफ योर लाइफ? प्रभु के प्रति प्रेम जागृत करना। हाँ, चाणक्य पंडित जी चाहते थे भारत राष्ट्र संस्कृति बने, परंतु वे नहीं चाहते थे उस सबको करने के बाद व्यक्ति अपने जीवन का मूल उद्देश्य ही भूल जाए। सब कुछ करते रहें परंतु भगवान के प्रति हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। उस प्रकार से इन तीन शास्त्रों को पढ़ने के लिए कहा गया है। तो जब रामायण की बात आती है, उसको लेकर कई सारी प्रतिक्रिया, जैसे मैंने कहा हम कॉन्ट्रोवर्सीज की चर्चा करेंगे, जैसे यू नो सीता को क्यों त्यागा इत्यादि इत्यादि। तो आपको शुरुआत में कुछ फाउंडेशन स्थापित करने के लिए, हम जब भी कभी इतिहास या जब भी हम किसी इतिहास को कहूँगा, जब भी हम इतिहास को पढ़ते हैं, हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है, उस इतिहास को पढ़ते हुए हम उसकी तुलना आज के समय से करते हैं, या उस इतिहास को हम आज के दृष्टिकोण से समझने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए उसको पढ़ते पढ़ते या तो उसको हम काल्पनिक कहते हैं, इम्प्रैक्टिकल कहते हैं, या उसके अंदर दोष निकालना शुरू कर देते हैं। कभी भी इस प्रकार से हमें इतिहास को पढ़ना हो, तीन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, वो किस युग की कहानी है, किस समय, और साथ ही साथ उस समय का वातावरण, उस समय का कल्चरल सिस्टम क्या था, वैल्यू सिस्टम क्या था। जैसे देखा जाए आजकल जनरेशन गैप बहुत बढ़ गया है। आज जनरेशन गैप की बात करी जाए तो जनरेशन गैप एक सास और बहू के बीच में नहीं, आज सातवीं में पढ़ने वाले लड़के का जनरेशन गैप नौवीं में पढ़ने वाले भाई के संग हो जाता है। सो उस जनरेशन गैप को बीच में मत लाने दीजिए, पढ़ने से पहले ही वो पर समझना चाहिए उस समय वैल्यू सिस्टम क्या हुआ करता था। और तीसरा, किसी भी इतिहास को अपने अतीत के अनुसार जज नहीं करना। जो आजकल जो भी रामायण महाभारत इत्यादि इतिहास को लेकर जो लोग गलत गलत टिप्पणियाँ करते हैं, वह अपनी सीमित बुद्धि को दर्शाते हैं। दे जस्ट सो हाउ लेस इंटेलिजेंट, यार उनको ये भी नहीं पता इतिहास कैसे पढ़ा जाता है। अगर वही व्यक्ति अपने माता पिता के समय की चर्चा करेंगे, उसमें भी उनको अनेक दोष नजर आएंगे, क्योंकि वह और आज के समय में बहुत अधिक अंतर आ चुका है उस प्रकार से। तो क्योंकि हम रामायण के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो हमने कहा कि उस समय के कल्चर को समझना चाहिए। तो उस समय को कल्चर को समझते हुए एक छोटी सी बात करके बात करते हैं।
हमारे संस्कृति में तीन प्रकार के कल्चर बताए गए हैं, तो मैं जब आप उस कल्चर के बारे में बात करूंगा, सो आपके समक्ष मेरे दो प्रश्न रहेंगे। पहला जो हम अभी बात करने वाले हैं उससे आपको क्या लगता है कि कौन सा इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन है जो रामायण के समय के कल्चर को दर्शाता है, और उनमें से कौन सा ऑप्शन है जो आज के कल्चर को दर्शाता है। तो तीन प्रकार की संस्कृति या तीन प्रकार के कल्चर रहते हैं। एक कला